साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएएससी ट्रेड्समैन के लिए मॉडल पेपर सेट लेके आ चुके हैं। ये प्रश्न सारे प्रश्न सिलेक्शन देने वाले प्रश्न हैं, तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, सिलेक्शन देने वाले प्रश्न। और दोस्तों अभी तक आप हमारा सफलता बैच ज्वाइन नहीं किया तो सफलता बैच ज्वाइन कर लीजिए। सफलता बैच मात्र ₹151 इसका चार्ज है। अगर आप सीएएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, तीनों का एक ही कोर्स है। और कोर्स का जो नाम मात्र हमने रखा है सफलता बैच, मात्र ₹151। आप हमें फोनपे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम है। और सफलता बैच ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हमने 70 पेपर करवा दिए। कितने दोस्तों? 70। अगर आज पेपर अगर आप ज्वाइन करें, 70 मॉडल पेपर सेट, 70 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिए हैं। तो भैया जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आप 70 पेपर नहीं कर सकते हैं, टाइम से पहले इसे ज्वाइन कर लें। कुल हम 100 पेपर करवाएंगे। कुल कितने पेपर करेंगे? 100 पेपर करवाएंगे। कितने करेंगे दोस्तों? 100 पेपर करवाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ, बताइए। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों 1526 के अंदर हुआ था। कौन सा? 1526 के अंदर। 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ था। कौन सा दोस्तों? पानीपत का युद्ध हुआ था। उसके बाद में मुगलों की नींव लगी। किसकी नींव लगी? मुगल। कौन सी लगी थी भैया? मुगलों की नींव लग गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया था, कब? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय वेदना सम्मेलन के अंदर। अगला देखिए, भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन करता है? संसद करता। कौन करता है? संसद अनुमति देता है तब होता है, बिना संसद अनुमति नहीं होती है। अगला देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत किसका सबसे बड़ा निकाय है? सबसे बड़ा निकाय बताइए। भारत किसका सबसे बड़ा निकाय है? अब्रक का। किसका दोस्तों? अब्रक उत्पादन का सबसे बड़ा निकाय अब्रक उत्पादन का है। अगला देखिए दोस्तों, परचूर कैल्शियम वाली मिट्टी मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकल। क्या कहा जाता है? पेडोकल कहा जाता है, पेडोकल कहा जाता है। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कुल पत्री भूमि, निवल बुवाई की भूमि, ठीक है। अफीम के पौधे को किस भाग से हमें माफिंग प्राप्त होता है? अफीम प्राप्त होता है फल के आवरण से। किसके दोस्तों? फल के आवरण से। फल के आवरण से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण का जैव पद्धति है? समुच्चय कृषि। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका प्रकार है? डाइओस। क्या सा? डाइओस सरकरा। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिकाओं की संख्या क्या है? शून्य। क्या है? शून्य। नेक्स्ट देखिए, हस्तशिल्प के मूल संस्थापक वर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर सामा शास्त्री। कौन है? आर राम सामा शास्त्री। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे है? 13 नंबर प्रश्न बताइए जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों,
चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों मीनार की खाड़ी। कौन सी दोस्तों? मीनार की खाड़ी जो तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो की मास्टर निरंतरण सुविधा, बताइए बताइए प्रश्न का राइट आंसर। इसरो कर्नाटका, इसरो की मास्टर निरंतर सुविधा कर्नाटका के अंदर स्थित, कहा कर्नाटका के अंदर स्थित है। समुद्र में सीप किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? 15 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एक वस्तु कितनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के अनुपात है? 16 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, यदि एक परीक्षण की क्षैतिज पारस उसकी ऊंचाई के 4 गुना में सापेक्षित हो तो देखिए 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री पर होगा। किस स्थान को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? यस राइट आंसर 18 नंबर प्रश्न का बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए, टेलनेट क्या है? टेलनेट क्या है? टेलनेट, चलिए 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक टेलीफोन नेटवर्क ही। क्या है? टेलीफोन नेटवर्क। यस नेक्स्ट अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? 20 नंबर प्रश्न, पारद का, किसका? पारद। पारा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पारा कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस होती है। 21 नंबर क्वेश्चन, चलिए 21 नंबर प्रश्न, मिथेन गैस, कौन सी गैस? मिथेन गैस। नेक्स्ट देखिए, क्रेटेस के शूल किसका रूपांतरण है? बताइए, बाईस नंबर प्रश्न, पत्ते का, किसका? पत्ते का। नेक्स्ट अगला देखिए, ज्ञात सबसे छोटा प्रोडक्ट यौन जीन कौन सा है? सबसे छोटा जीन कौन सा है? सबसे छोटा जीन कौन सा है? 23 नंबर प्रश्न, माइक्रो प्लज, कौन सा? माइक्रो प्लज। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? क्या है? इंद्रधनुष किसके कारण बनता है?
इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? 24 नंबर प्रश्न, अपरिवर्तन और परावर्तन, ध्यान रखना। नेक्स्ट, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? 7%, कितना? 7। आप पाठ के अनुसार पृथ्वी की जीवन बनाए रखने के लिए अनुसार अनुवांशिक लाइब्रेरी क्या है? यस, ये बताइए आप। चलिए 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों जैव विविधता। विश्व में किस भोजन उत्पादन की बढ़ती हुई उष्मिता वर्मुरल का कारण क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों गोमांस, लाइफ डिवाइस। बताइए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अरविंद डगा। किसने 26 बार ऑस्कर फिल्म जीती है? बताइए। 29 सी। और दोस्तों हमारा सफलता बैच चल रहा है, सफलता बैच को ज्वाइन करें अच्छे से, वहाँ पर पेपर है, उस पेपर सेट को आप अच्छे से करें। और दोस्तों जितने आप अच्छे से पेपर करेंगे, और दोस्तों हमने जो चार्ज रखा है वो मात्र 151 रुपये। अगर आप CASF हो या SSB हो या BASF, सभी ट्रेड्समैन की एक ही साथ आप तैयारी करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।